हेट स्टोरी सीरीज की फिल्मों में बदले की कहानी, बोल्ड सीन और अप शब्दों वाले संवाद होते हैं। हेट स्टोरी 3 में संवादों का तीखापन हटा दिया गया है और इसकी जगह हिट संगीत ने ली है। बदले की कहानी को उतार चढ़ाव और सस्पेंस के साथ पेश किया गया है। इस सीरीज की खासियत ये भी होती है कि ट्रेलर में ही सब कुछ बता दिया जाता है कि किस तरह की फिल्म देखने को मिलेगी और दर्शक उसी मानसिकता के साथ फिल्म को देखने जाता है। आदित्य दीवान एक सफल उद्योगपति है। उसकी खूबसूरत पत्नी सिया हमेशा उसकी बगल में नजर आती है। एक महंगी कार गिफ्ट में देकर आदित्य को सौरव सिंघानिया चौंकाता है। वह बिना ब्याज का करोड़ों रुपए आदित्य को ऑफर करता है। आदित्य मेहरबानी की वजह पूछता है तो वह बदले में आदित्य की पत्नी सिया के साथ एक रात बिताना चाहता है। आदित्य यह ऑफर ठुकरा देता है तो सौरव उसके बिजनेस को अपने चालाक दिमाग से तहस नहस कर देता है। सौरव कौन है, उसकी क्या असलियत है, वह क्यों आदित्य का बुरा चाहता है, इसका खुलासा फिल्म में अंतिम मिनटों में होता है। विक्रम भट्ट ने कहानी लिखी है जिसमें उतार चढ़ाव है। फिल्म के किरदार इस तरह लिखे गए हैं कि कौन किसे बेवकूफ बना रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, यह बात दर्शकों के दिमाग में लगातार चलती रहती है। हालांकि यदि फिल्म ध्यान से देखी जाए तो शुरुआत में ही संकेत मिल जाता है कि सौरव की असलियत क्या है। कहानी के साथ दिक्कत यह है कि जब सस्पेंस खुलता है तो वो दर्शकों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता, लेकिन अच्छी बात यह है कि तब तक आप 90% फिल्म देख चुके होते हैं और इस दौरान फिल्म आपकी उत्सुकता बनाए रखती है। काव्या को मार डालने की खास वजह नहीं मिलती। एक शक्तिशाली और धनाढ्य उद्योगपति सौरव के बारे में क्यों कुछ पता नहीं लगा पाता, ऐसे कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। सिया के साथ रात गुजारने वाली बात भी सिर्फ चौंकाने के लिए रखी गई है और कहानी से उसका कोई विशेष ताल्लुक नहीं है। फिल्म में बीच बीच में हिट गाने लगातार आते रहते हैं। गानों का फिल्मांकन बोल्ड है और उस दर्शक वर्ग को लुभाता है जिनके लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया है। एक्टिंग डिपार्टमेंट में फिल्म बेहद लचर है। डेजी शाह और एक्टिंग में 36 का आंकड़ा है। जरीन खान संवादों के अनुरूप चेहरे पर भाव नहीं ला पाती, वे सिर्फ सजी सवरी गुड़िया लगी। आदित्य की भूमिका में शर्मन मिसफिट लगे, न उनसे ढंग की एक्टिंग हुई है और न ही वे अरबपति कारोबारी लगे। करण सिंह ग्रोवर अपनी शख्सियत के बूते पर शर्मन पर हावी रहे, हालांकि उनका अभिनय भी औसत ही रहा। निर्देशक के बतौर विशाल पंड्या ने ड्रामे, बोल्ड सीन और गानों के बीच संतुलन बनाए रखा है, लेकिन वे कलाकारों से अभिनय नहीं करवा पाए। संगीत फिल्म का प्लस पॉइंट है और सारे गाने पहले ही हिट हो चुके हैं। कुल मिलाकर हिट स्टोरी 3 उस दर्शक वर्ग को संतुष्ट करती है जो इस तरह की फिल्में पसंद करता है, लेकिन अन्य दर्शकों के लिए यह औसत दर्जे की फिल्म है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।